नवी मुंबई नेटवर्क। तू ख्वाब देखते रह जा, तू ख्वाब देखते रह जा, तू ख्वाब देखते रह जा, हम ले जाएंगे। तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, हम ले जाएंगे। तू खेल बदलते रह जा, तू खेल बदलते रह जा, तू ख्वाब देखते रह जा, तू ख्वाब देखते रह जा, हम ले जाएंगे। कोरोना के लंबे ब्रेक के बाद आज सिबरी बिलापुर स्थित NRI कॉम्प्लेक्स में रहने वाली जनता के अंदर क्रिकेट का फीवर दिखाई दिया। टाटा स्काई ब्रॉडबैंड द्वारा NRI कॉम्प्लेक्स फेज 2 में प्रीमियर लीग का जोरदार आयोजन किया गया। ये 12 ओवर फ्रेंडली मैच टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की टीम और NRI फेज 2 के क्रिकेट लवर्स के बीच जमकर खेला गया, जहां NRI फेज 2 के कैप्टन दीपक येवले और प्रतिद्वंदी टीम के कैप्टन के बीच टॉस उड़ाकर इस मैच की शुरुआत की गई। क्या चौके, क्या छक्के और ये आउट। इन दोनों ही टीम के धुरंधर खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक क्रिकेट और गेंदबाजी के हुनर दिखाकर सभी के पसीने छुड़ा दिए। लगभग 1.5 सालों बाद मैदान में खेलने का एक अलग जोश, जुनून और खुशी सभी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इस क्रिकेट मैच में NRI फेज 2 के कैप्टन दीपक येवले, संदीप सालुखेल, राजीव भुटानी, मनोज परख, उद्योगपति डॉक्टर संजीव कुमार, उद्योगपति और डिस्ट्रीब्यूटर आशीष शिर्के, टाटा स्काई ब्रॉडबैंड के मार्केटिंग हेड स्वामी मेहरा आदि तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि फिटनेस प्रेमी NRI फेज 2 और टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की टीम के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और इस मैच में NRI फेज 2 की टीम ने अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अपने नाम दर्ज करवाए। इस दौरान टाटा स्काई ब्रॉडबैंड ने दशहरा की खुशियों और दीपावली के आगमन को देखते हुए NRI कॉम्प्लेक्स के सभी रहवासियों को 1 महीने का मुफ्त ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान की है। इस मैच को जीतने के बाद NRI फेज 2 के क्रिकेट प्लेयर्स की टीम ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 1.5-2 साल बाद ये मौका आया, लेकिन कड़े मुकाबलों में उन्होंने टाटा स्काई ब्रॉडबैंड की टीम को शिकस्त दी, जिसकी उन्हें खुशी है। तू ख्वाब देखते रह जा, हम ले जाएंगे। नहीं, ये बहुत बढ़िया अरेंज किया हुआ है। ये मैच है NRI फेज 2 और टाटा स्काई ब्रॉडबैंड का मैच है और बेसिकली सेल्स प्रमोशन के लिए हम लोग अरेंज किए हुए। बहुत ही फ्रेंडली माहौल में हुआ है और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। फर्स्ट मैच बहुत अच्छा हुआ, 12 ओवर्स का मैच था। हालांकि हम लोग जीते मैच, बट बड़ा क्लोज मैच हुआ और बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब टाटा स्काई की भी टीम बहुत अच्छी थी और हम लोग उनको थैंक्स बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत बढ़िया अरेंज किया है। कम्प्लीट अरेंजमेंट टाटा स्काई ने की हुई है आज, और साथ में उन्होंने सारे रेसिडेंट्स को एक एज अ प्रोमोशनल एक्टिविटी सबको ब्रॉडबैंड 1 महीने के लिए फ्री देने का अभी हमको प्रॉमिस किया था, तो वो ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो हम थैंक्स कहते हैं टाटा स्काई को और हमारी टीम को, जो बहुत अच्छा खेली NRI की। हम लोग रेगुलर खेलते हैं इसलिए हमारी काफ़ी मतलब अच्छी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बना हुआ है ऑलरेडी टीम का, तो अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा सारी टीम का। अभी टाटा स्काई ने ब्रॉडबैंड शुरू किया अभी, उसके लिए हमारे उसने NRI फेज 2 के साथ एक मैच रखा, क्रिकेट मैच, जो हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है टाटा स्काई का खेलने। पहली बार कोई बाहर की टीम आई है, 18 महीने बाद हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी एक्साइटमेंट है NRI रेसिडेंट्स के लिए। एक तो आफ्टर कोविड के टाइम इतना 2 साल के बाद टाटा स्काई ने, NRI वालों ने जो अपनी तरफ से किया है वो देख के ही इतना मज़ा आ रहा है कि इतने सब काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोगों को एक बाहर निकलने के लिए और स्पेशली स्पोर्ट्स में देखने के लिए अच्छा लग रहा है। और टाटा स्काई की तरफ से हम NRI वालों को, उन्होंने ये भी दिया कि आप लोगों को 1 मंथ का पूरा फ्री दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन, तो यो टू टाटा स्काई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर विनर NRI कॉम्प्लेक्स। टाटा स्काई ने जो अरेंज किया ये मैच, दैट्स फैंटास्टिक इनिशिएटिव फ्रॉम टाटा स्काई एंड NRI इज ऑलवेज क्रिकेट एंथुजियास्टिक सोसाइटी वेयर वी यू नो कीप प्लेइंग एवरी संडे। दैट्स रियली अ नाइस इवेंट व्हाट वी हैव डन टुडे। Even after a few months, we will be organizing IPL like last year. वही टाटा स्काई ब्रॉडबैंड के मार्केटिंग हेड स्वामी मेहरा ने कहा, 95% जनता टाटा स्काई की ही ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल करती है और टाटा का नाम विश्वास और भरोसे की कसौटी में हरदम खड़ा रहा है। यही कारण है कि कोरोना खत्म होते ही और दशहरा उत्सव की खुशियों के बीच लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने के मकसद के साथ उन्होंने इस प्रीमियर लीग का आयोजन किया। देखिए, मेन मोटो ये है कि हम NRI कॉम्प्लेक्स के साथ अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम
टाटा स्काई डीटीएच ऑलरेडी यहाँ 90-95% लोगों के पास है। हम ब्रॉडबैंड सेवाएं लेके आए हैं और हमारी ब्रॉडबैंड सेवाएं जो हैं हमारा ऐसा मानना है कि सबसे अच्छी है और टाटा का विश्वास, टाटा की क्वालिटी हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग उसका इस्तेमाल करें, उसका भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि आज के दिन में ब्रॉडबैंड बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक चीज़ हो गया है। ब्रॉडबैंड में आउटेजेस होती है, कनेक्शन कट जाता है और सर्विस रिकवरी बहुत टाइम लगता है, कॉल सेंटर में कॉल नहीं लगता है, लेकिन टाटा ये आपको एश्योरेंस देता है कि हमारे कॉल सेंटर में आपको 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कॉल करने में। हमारा स्पीड अगर हम 200 Mbps कहते हैं तो 200 Mbps मिलेगा, मतलब ट्रू स्पीड जो है, हाई क्वालिटी स्पीड वो मिलेगा। हम 1 Gbps तक की स्पीड देते हैं और हमारा सर्विस क्वालिटी बाकियों से बहुत अच्छा है। सो इस मैच का मेन उद्देश्य यही है, एक कोविड ख़त्म हुआ है, दशहरा अभी होके हटा है, तो हम चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ मिलकर खूब खुशियां मनाएं, सेलिब्रेट करें। मेरा एक तरफ टाटा स्काई ब्रॉडबैंड का परिवार है, दूसरी तरफ NRI का परिवार है, तो हम आपस में मिलकर एक तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपने जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं हम ये चाहते हैं कि सब के सब टाटा स्काई ब्रॉडबैंड को प्रयोग करके देखें और उसको अपनाएं। कोरोना संक्रमण के बाद नवी मुंबई में इस प्रकार के क्रिकेट लीग की शुरुआत होने से और लोगों के चेहरों की खुशी देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि नवी मुंबई शहर क्रिकेट लवर्स और फिटनेस प्रेमी लोगों का शहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। डू यू एस्पायर टू अपग्रेड योर लिविंग विद अरिहंत अद्विका, सेक्टर 9 वाशी। अपग्रेड टू आइकॉनिक रेजिडेंशियल टावर